इस रोज को देख के मन खुश हो रहा है। देखिए कलर भी कितना प्यारा है, और अगर हम इसको देखें तो साइज भी कितना प्यारा है ये देखिए। और अभी तक पूरा फ्लावर खिला भी नहीं हुआ है, ये देखिए अब ये भी खिलने वाला है, ये देखिए अभी पूरा खिलेगा। लेकिन इसमें देखिए कुछ एक काम मैं करूँ, क्योंकि आज मौसम सुबेरे बहुत ख़राब हुआ था, और अभी टेरेस पे आए हैं तो प्लांट्स भी कुछ गड़बड़ कर गए थे। अगर अब देखिए अब इनकी अगर प्रॉपर और ग्रोथ इनकी होनी है उसके लिए एनर्जी भी चाहिए। तो ये जिस तरीके से ये वीड्स लग जाते हैं ना, तो ये हमारे प्लांट की ग्रोथ में जो है ये अड़चन डालते हैं, तो इनको ज़रूर निकालना चाहिए। ये देखिए ये एक्स्ट्रा चीज़ें हैं, ये एक्स्ट्रा चीज़ें, ये सब निकाल देनी चाहिए। ये इनको निकालेंगे तो ये हमारे फ्लावर्स जो खिल रहे हैं ना इनके लिए एक्स्ट्रा एनर्जी मिलेगी। ये देखिए ये तो जहाँ मर्जी लग जाते हैं, बहुत लगे हुए हैं, मैं इनको तोड़ तोड़ के निकाल देती हूँ, बहुत लगे हुए हैं। ये देखिए इस तरीके से मेन काम ये नहीं है, और भी काम है मैं, लेकिन इस फ्लावर की तरफ नज़र बार बार जा रही थी तो मैंने कहा चलो थोड़ा सा इसको भी छेड़खानी इसमें कर दी जाए। तो ये देखिए अब ये सारा निकाल दिया इसमें फालतू वीड्स, इसके लिए एनर्जी पूरी मिलेगी। ये देखिए फ्लावर कितने प्यारे हैं ये वाले। चलिए ये तो हो गया, अब मेन काम और क्या था, ये देखिए मौसम ने क्या हाल करा है मेरे रबर प्लांट का, पूरा प्लांटर तोड़ दिया। पर चलो एक फ़ायदा और हुआ कि इसको प्लांटर की ज़रूरत थी, वो काम इसका हो जाएगा, और अब मैं इसको शिफ्ट कर रही हूँ। चलिए देखिए किसमें शिफ्ट करते हैं, ये मैंने ये रखा हुआ है प्लांटर, तो सोच रही हूँ इसमें शिफ्ट कर देती हूँ। अब इसके लिए और क्या क्या जुगाड़ करेंगे वो देखते हैं। ये देखिए प्लांटर में से मैंने सारा ये निकाल दिया, इसके रूट्स देख रहे हैं कितने हैवी हैं, और सारे ये नए प्लांटर की भी डिमांड कर रहा था। ये देखिए सारे इसके रूट्स, और जो मैंने इसमें ना लकड़ियाँ वो लगाई हुई थी नीचे होल को बंद करने के लिए, वो भी सारे कहाँ चले गए। देखिए अखरोट के छिलके डाल देती हूँ मैं इसके अंदर ना, उसके शेल जो होते हैं वो डाल देती हूँ सारे। ये देखिए इसके लिए ज़्यादा कुछ नहीं करा, इसमें थोड़ी सी राख डाल दी है मैंने, और ये थोड़ा सा ये डीकम्पोज मेरे पास काओ मेरा काओ डंग जो डाला था मैंने, ये डिकम्पोज हो चुका है, ये डाल दूँगी इसमें, ज़्यादा और कुछ नहीं डालेंगे, बस ये बहुत है। ये देखिए अब इसको छाड़ के मैं तब बिठाऊँगी इसको इसमें, इसके रूट्स को हल्का हल्का से यहाँ से कट कर दूँगी, नहीं तो ये बहुत जल्दी और अपने रूट्स को फैला देगा और बड़े प्लांटर की डिमांड करने लगेगा। मैं इसको ना पूरा ऐसे ग्रो करना चाहती हूँ जैसे एक ट्री होता है ना, ट्री ज़मीन पर तो लगने के बाद तो एक हर ट्री ही बनता है, बट हम लोगों ने तो प्लांटर में लगाना है ना, तो प्लांटर में लगाने के लिए अब इतना बड़ा प्लांटर तो कहाँ से देंगे इसको, लेकिन शेप चाहती हूँ कि इसी में इसको इस तरीके की मिल जाए। ये देखिए ये सारा इस यहाँ से कट कर देंगे, इसको रूट्स को शॉर्ट कर देंगे, अब बस झाड़ के इसमें बिठा दूँगी इसको। ये रूट्स इसकी निकालिए झाड़ के, देखो इनको कट कर दूँगी ऐसे, इसमें कुछ भी ऐसा फ़र्क नहीं आएगा कि कोई नुकसान पहुँचेगा इसको। ये देखिए इसके जो लीव्स होती है ना उसका कलर बड़ा प्यारा आता है, शाइन कलर एकदम से शाइन मारती है, लश ग्रीन एकदम से ऐसे लगता है जैसे पॉलिश करी हुई है। ये देखिए रूट इसके, ये बस सब बिठा देंगे इसमें। ये देखिए अब इनके रूट्स और बड़े होने में टाइम लगेगा, तो ये प्लांटर बहुत है इसके लिए, कोशिश करते हैं ऐसे बिठाने की। अब सही आ गया ना, ये देखिए ऐसे लीव्स देखिए इसके कितने अच्छे आ रहे हैं, नई नई लीव्स आ रही है ना, कितना प्यारा कलर लग रहा है। अभी तो ये सारी गंदी हो रखी है, साफ करेंगे तो उसको शाइन करेंगे। ये सारे एक्स्ट्रा ये निकाल देंगे इसमें से, ये मदर ऑफ थाउजेंड भी इसमें लग गया है। ये देखिए इसके सीड गिरे थे इसमें, तो ये भी इसमें भी लग गया है, इसको निकालूंगी नहीं, ये भी थोड़ा अच्छा लग रहा है ऐसे लगने में। और ये देखिए मैंने इसको इस तरीके से बांध दिया जिससे कि ये स्ट्रेट जाएगा बिल्कुल, एज ए ट्री बिल्कुल ग्रो होएगा, नहीं तो ये फैल रखा था पूरा ये। तो ये देखिए दोस्तों अब ये प्लांटर के टूटने से इस प्लांट को मिला नया प्लांटर, और ये अब देखिए इसकी लीव्स देख रहे हैं आप कितने अच्छे शाइन कर रहे हैं, जो न्यू जो लीव्स आते हैं वो भी देखिए कितने अच्छे शाइन करती हैं ये। और एक चीज़ और बताऊं मैं आपको, ये मैंने देखिए पूरा इस तरीके से मैंने बांधा हुआ है, अब ये इसको भी बांध दूंगी तो ये पूरा इसी तरीके से स्ट्रेट जाएगा, और अगर हम चाहें ना तो ये इसी को स्टेम को तोड़ के हम इसमें से न्यू प्लांट बना सकते हैं, वो मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए ये मैंने इसी तरीके से ये इसका मदर, ये प्लांट जो है ये इसका मदर प्लांट है ये वाला,
और इसी में से तोड़ के मैंने इसको ग्रो करा। ये देखिए अब इसके भी ये देखिए कितनी सारी न्यू लीव्स आ गई हैं, ये देख रहे हैं। तो ये कितना इजी है, एक प्लांट लाने की जरूरत है, आप बहुत सारे ढेरों प्लांट बना सकते हैं। हाँ, लेकिन इस तरीके से जब ये प्लांट इतना ग्रो हो जाता है तो उसको छोटे प्लांटर में से नया प्लांटर देना बहुत जरूरी हो जाता है। तो और ये देखिए ये भी काम करा मैंने कि अगर हमें इन फ्लावर्स की अच्छी सी ग्रोथ चाहिए तो इनके वीड्स जितने भी होते हैं वो सब हमें निकालने पड़ेंगे, तो आपको अच्छे से फ्लावर आपको देखने को मिलेंगे। तो दोस्तों इसमें से अगर कुछ काम आपको अच्छा लगा हो तो उसको जरूर आप लोग अपने गार्डनिंग में यूज कीजिएगा। अच्छा लगा हो तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब तो जरूर कीजिए। हैप्पी गार्डनिंग फ्रेंड्स।